अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फेवराज और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान पब्लिक। नाजरीन, आज अदर ग्रुप की तरफ से यूनिटी सेंटर के अंदर एक सेमिनार का इनकार किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के रहाशियों ने और जो अदर ग्रुप के लोग हैं उन्होंने भरपूर शिरकत की। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आज के जो ये सेमिनार है इसके बारे में क्या कहते हैं, और अगला जो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद इनका जो प्लान है, जो मंशूर है, उसके बारे में। ये करप्शन ज्यादा थी इन शादारी के थे, और हमारे पास ज्ञान का, शराफत का और अच्छाई का जज्बा है, और इन शाह यहाँ काम करने का जज्बा है। हम दिन रात काम करेंगे और अपनी सोसाइटी को सर डीसी कलोनी के लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरे वो भाई हैं, हमारा ये घर है डीसी कलोनी, और इस डीसी कॉलोनी के घर को इन लुटेरों से आज़ाद करवा लो। आओ मेरा साथ लो, मैं तुम्हारे लिए निकला हूँ। मेरी कोई जाती और कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने अब तक पूरी नहीं की। मेरे साथ आ जाओ, मैं इंशाल्लाह इन लुटेरों से तुम्हारी कॉलोनी को आज़ाद करूँ। जी, ये थे हमारे साथ बाजवा साहब, और आए हमारे साथ जो इनके गेस्ट आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से वो अपना क्या पैगाम देते हैं डीसी कॉलोनी के लोगों को, और जो दूसरे ग्रुप्स हैं जिनके मद मुकाबल हैं उनके लिए क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से हम ये पैगाम देंगे कि बाजवा साहब एक दयानंदा और अच्छे इंसान हैं। इस सोसाइटी की इस्लाह बहबूद के लिए, इस सोसाइटी के लिए जो माफी है ना, उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम बाजवा साहब का साथ देंगे, ये बहुत अच्छे लोग हैं और सोसाइटी की बेहतरी के लिए ये हम काम करेंगे, हम इनका साथ देंगे। आप क्या समय देंगे दूसरे जो ग्रुप हैं उनमें और बाजवा साहब का जो अदर ग्रुप है, इसमें क्या फर्क आपको नजर आता है? बाजवा साहब का जो ग्रुप है अभी बना है, बाजवा साहब एक दयानतदार और अच्छे इंसान है, ये टीचर है, ये इंसान को बनाते हैं, बिगड़े हुए इंसानों को टीचर बनाते हैं। जो पिछले लोग हैं वो सब माफी हैं, उन्होंने ये डीसी की है, लोगों को लूटा है, करोड़ों की अरबों की हेरा फेरी की है। अदल ग्रुप जो है अल्लाह के फजल से ये बता रहे हैं, और इंशाल्लाह अजीज इस डीसी कॉलोनी के हर पासी की हिफाजत करेगा। डीसी कॉलोनी की जो फंड है उसकी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह अजीज। ये अदल ग्रुप जो है ज्यादादार है, ये करप्शन से बेबाक है, और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये अदल ग्रुप का साथ है और डीसी कॉलोनी को बचाए। ये डीसी कॉलोनी ये शरीफ शहरियों का सिविल सोसाइटी है। जी, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, आए इनसे बातचीत करते हैं कि आज का जो सेमिनार हुआ है इस हवाले से क्या कहते हैं। बेहतरीन सेमिनार हुआ है, और ये एक पैगाम है आम वोटर के लिए कि आपका नुमाइंदा भी आम ही होना चाहिए, ठीक है, आप कैसा ही होना चाहिए सर, जो आपके मसाइल को समझ सकते हैं, जिनके मसाइल उठना है उन्होंने और करना है, ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि जो अदर ग्रुप है बाजवा साहब ने जो अभी अनाउंस किया, तो ये दूसरे ग्रुपों से बेहतर है, जी मैं यही पैगाम दूंगा कि आपने जैसे नुमाइंदे चुने बड़े बड़े जो है ना लुटेरे उनको जी। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि बाकी जो तीन ग्रुप है बड़े ग्रुप है उनसे मुकाबले के लिए, और आपको कितनी उम्मीद है कि डीसी कॉलोनी के लोग आपको इमोशनल करेंगे? जमाते हमेशा छोटे रहते हैं, इंसान का करदार उसका कहना है, उसका माजी और उसका हाल, ये सब सब है इंसान के साथ बात बाजी में बात। जैसे कि हमारे लोगों ने आ रहे हैं करप्शन के खिलाफ और डीसी कॉलोनी के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, और उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि कोई भी आदमी हमारी करप्शन पकड़े, हमारा कोई गलत काम हो तो आके हमारे गिरेबान पकड़ सकते हैं। हम सिर्फ डीसी कॉलोनी के लोगों की खिदमत के लिए आ रहे हैं, और इंशाल्लाह डीसी कॉलोनी के लोग हमें ही मुंतखब करेंगे।